नमस्कार, मैं हूं शिरीष उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबरदार। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सोलापुर शहर में आज विधायक बच्चू करू ने विविध विषयों को लेकर एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया था। इस पत्रकार परिषद में उन्होंने आने वाले चुनाव में राज्य में 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर हमला बोला और सहकार मंत्री सुभाष देशमुख के आलिशान मकान, वखर मंडल के करोड़ों का घोटाला, दूध के दाम और पाकिस्तान की चीनी आदि अनेक मुद्दों पर सरकार को घेरा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो अधिकारी अपाइजों और फिजिकली चैलेंज लोगों का काम नहीं करेंगे उनकी पिटाई वो चप्पलों से करेंगे। और इस बारे में अधिक जानकारी लेते हैं हम अपने सोलापुर में मौजूद संवाददाता शाहजान अतार से। और इस बारे में अधिक जानकारी लेते हैं सोलापुर में मौजूद खबरदार संवाददाता शाहजान अतार जी से। शाहजान जी, आज बच्चू करू जी निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने पत्रकार परिषद ली और इस तरह का बयान दिया कि चार विधायक अगर हमारे साथ हों, सब मदद करें, सहयोग करें, तो मुख्यमंत्री को हम गणपति बना देंगे। क्या मतलब हुआ इसका? दीदी, क्या है, देखिए महाराष्ट्र में जो अभी सभी जगह पे नाम चल रहा है विधायक बच्चू करू, जो कि जाने माने विधायक है और जो गरीब लोग हैं उनके सेवा के लिए वो हमेशा जुटे रहते हैं, जो अपाहिज अपंग लोग हैं उनके लिए भी जुटे रहते हैं। आज सोलापुर में उन्होंने प्रेस लेकर कहा कि अगर मेरे साथ में अगर चार MLA होते हैं तो मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गणपति बना दूंगा। ये थोड़ी हंसी की बात हो सकती है कि गणपति बोला तो अभी जो भी कोई काम नहीं करता या जिसको काम नहीं करने देते उसको ही गणपति बना देते हैं। अगर आने वाले चुनाव में भी करीबन मैं 25 जगह पर मैं विधायक के लिए मेरे उम्मीदवार खड़े करने वाला हूँ और यही कहा उन्होंने। और क्या मामले उठाए उन्होंने देशमुख के जी? क्या हाँ, और भी जो महाराष्ट्र के सहकार मंत्री है सुभाष राव देशमुख, इनके बंगले के बारे में तो कई दिनों से वो बंगला गलत जगह पे बना है, जहाँ पे रिजर्वेशन है अग्निशामक दल का, वहां पर बना है, उसे तोड़ देने की मांग पिछले 3-4 महीने से चल रही है। इसके बारे में हाईकोर्ट में मामला दर्ज हुआ है और इसमें देखा जाए तो जो सोलापुर के महानगर पालिका आयुक्त है उन्होंने भी रिपोर्ट दिया है कि ये गलत जगह पे बना है और वो तोड़ने की भी बात उन्होंने आज कही है। जो भी महाराष्ट्र में अपंग अपाहिज लोग है जो उनका काम नहीं करेगा उसी अफसर को चप्पल मारने की वो भी उन्होंने धमकी दी है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज पूरी जानकारी देने के लिए। तो चुनाव की तैयारी बच्चू करू ने अभी से शुरू कर दी है और जगह जगह राज्य के अलग अलग शहरों में, जैसे पिछले बार उन्होंने पुणे में एक पत्रकार परिषद ली थी और आज सोलापुर में उन्होंने पत्रकार परिषद दिया और सरकार पर जोरदार हमला किया। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। देखते रहिए खबरदार।